दूसरा दिन सुबह 8 बजे। अरे क्या कर रखा है सुबह सुबह? अरे भाई स्ट्रेचिंग कर रहे हैं यार, अभी रनिंग पे भी तो जाना है और चप्पल पहले ठंडी घुस जाएगी। ये तो यहाँ पे घुस भी गई है। क्या घुस गई? ठंड यहाँ पर कितनी पता नहीं, कल रात को थोड़ी सी घुस गई थी, नीचे से यहाँ अटकी हुई है। एक काम करो आप जाओ, आपको मिस कर रही है ऑडियंस। मस्ती भी लिमिटेड करनी चाहिए क्योंकि टाइम बचाना है, अभी हमें घूमने भी तो जाना है। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? नाहरगढ़ फोर्ट जाएंगे, उसके बाद गुड्डू भैया बताएंगे कहाँ जा रहा है। आमेर फोर्ट भी चल रहे हैं और हवा महल भी कर लो और जल महल भी कर लो। सुबह 10 बजे हम लोग गाड़ियों में लोड हुए ताकि 12 बजे तक नाहरगढ़ फोर्ट पहुंच जाएं। और सफर में भूख बहुत लगती है भाई साहब, और बिरयानी खा के ऐसा प्रिटेंड करो क्या बनाया है लड़के। फिर 1 घंटे की छोटी सी ड्राइव के बाद हम लोग पहुंचे नाहरगढ़ फोर्ट के सन गेट पे, और फोर्ट देखते ही हम सब लोग कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए। पर गर्मी भी बहुत थी तो पहले हम लोगों ने बनाया बंटा। तो नाहरगढ़ फोर्ट पहुँच के पहले बंटा पी लेते हैं, अंदर बाद में जाएंगे, गर्मी बहुत है, थोड़ा चिल माइंड, चिल वाइब ब्लॉग्स। गर्मी अब फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए आप लोग सबसे पहले पहुँचेंगे नाहरगढ़ फोर्ट के म्यूजियम पे, और उसकी डिटेल आपको मुझसे बेहतर ये जनाब देंगे। शीश महल और एक्सपोजिशन दो चीज़ें सर आपके देखने के लिए यहाँ पर। या फिर आप देखेंगे शीश महल, इसका पूरा फ्लोर कांच का है, जिसके ऊपर आप चलते घूम के देखेंगे 10 मिनट का कोडियो का टॉप रहेगा वो दिखाएगा, और जितनी भी देर आप शीश महल में रहेंगे कांच के फ्लोर पर चलेंगे दुनिया का पहला शीश महल देखेंगे। शीश महल से पहले आप लोग देखेंगे रॉयल दरबार, दुनिया का पहला वैक्स म्यूजियम, जिसमें जयपुर की रॉयल फैमिली आपको देखने को मिलेगी। महारानी गायत्री देवी जिनका ओल्ड वर्जन यंग वर्जन दोनों अंदर है, जयपुर सिटी के 3 महाराजा, महाराणा प्रताप का वैस का स्टेचू है, दीवारों पे सब पे सोने की नक्काशी है, ये पहला स्टेचू ही नज़र आता है। और जो थर्ड पार्ट है इसे कहते हैं हॉल ऑफ आइकॉन, जिसमें आप अमिताभ बच्चन, माइकल जैक्सन, जैकी चैन, फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, 38 वैस के स्टेचू देखेंगे बड़े बड़े सेट्स के साथ। और सेट्स के साथ म्यूजियम किस तरह से बना है, APJ अब्दुल कलाम जी को देखने जाते हैं दिल्ली के इंडिया गेट पहुँच जाते हैं, राष्ट्रपति के ऊपर वो करते हैं, राष्ट्रपति भवन पहुँचते हैं, और ये कैबिन में खड़े होकर आप देखते हैं APJ अब्दुल कलाम जी। हर स्टेचू के ज़्यादातर सेट्स होते हैं तो किसी भी एक्सपोजिशन में देखने को नहीं मिलते हैं। इन तीनों का मिलाकर टिकट 500 रुपीज़ पर पर्सन का होता है, जाने का 500, जो कैश कार्ड पेटीएम कर सकते हैं। पर अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था तो हमने बाहर से ही शूट कर लिया, क्योंकि वहाँ की वाइब्स ही अलग थी। और ये जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं ये है यहाँ की ऐतिहासिक बावड़ी। अब ज्ञान की बातें हो गई तो फटाफट आगे चलें। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, मेरी एक टांग नकली, एक दिन उदय भाई को मुझ पर गुस्सा आ गया, उन्होंने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग तोड़ दी, लेकिन आदमी दिल के बहुत अच्छे, फूलों की टोकरी भी लेके आए थे, फलों की टोकरी और दिलाया हॉकी स्टैंड की जगह। बहुत बड़ी बात है, चलो लेट हो रहे। अरे नहीं नहीं यार, नहीं गुस्सा तेरा बहुत तेज है भाई, देख ऐसे नहीं आज। और वैसे तो मुझे हिस्टोरिकल चीजें कुछ खास पसंद नहीं आती, थोड़ी सी बोरिंग लगती है, पर अगर तुम अपने दोस्तों के साथ आयो तो कुछ भी बोरिंग नहीं लग सकता, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मजा किसी जगह में थोड़ी, मजा तो लोगों के साथ आता है। Oh, oh, oh.
काफी बड़ा भी है, तो थोड़ा सा रेस्ट करना भी जरूरी है। अभी ये चल रहा है झामर जी कैटनैप ले लूं। अभी भी ले चलते ताकि सो जाऊं। ताकि सो जाऊं। हमारा सफर नाहरगढ़ फोर्ट तक का, लेकिन उस सबसे पहले वॉज आई टोल्ड यू दैट दिल चाहता इज आवर फेवरेट मूवी, नहीं ना? शॉर्ट से पता चल जाएगा। हाँ, आपका पर्सनल कमरा है ना, अभी इसमें से मंजुली का निकल के आएगी आमी जे तो माँ। नहीं यार, कुछ तो है भाई इसके अंदर। तो वही है, मंजुली का निकलेगी। इसमें से ऐसे ही गेट था, वो अभी छन छन करती है अंदर से। कौन सी नकली, कौन सी लकड़ी है ये? ये लोहे की लकड़ी है। साफ बोल लग रही है, लेकिन है ये नीम की।